दूंगा मैं आपसे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा हमारा पहला सेट जो शिफ्ट बन के आप 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट वन में जो सेट कंडक्ट हुआ था वो मैं सबसे पहले देखूंगा, ठीक है। अगर आपको ये, अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हो तो ना आगे ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा और बाकी की सीरीज भी आप सभी के लिए लाता रहूंगा मैं, क्या जो आगे की चीजें हैं ना, जो अगले सेट हैं उनको भी मैं लाता रहूंगा। अभी तो 4 सेट है, अगली वीडियो में चार सेट अगर आप प्यार दिखाते हो इस वीडियो को तो, ठीक है। अगर देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट दूंगा बस, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, क्या आप अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए, मैं आपको शानदार तरीके से एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपने अभी तक तैयारी अच्छे से ना की हो और आप चाहते हो पीडीएफ डाउनलोड करना, 1 सेकंड वेट कीजिए जरा, लोड क्यों ले रहा है, ले रहा। देखिए इसमें सारे की सारी चैप्टर, देखिए ये 10 चैप्टर की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। टाइम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड बार कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ठीक है। इन सभी की वीडियो भी इसी बैच इसी टेलीग्राम पर डली हुई इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। सभी पीडीएफ में टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम वाइज दे रखे हैं कि किसी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है और उनके आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट पीडीएफ है अभी तक की मैंने देखी है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा और सीधा स्टार्ट करूंगा हमारा पहला शिफ्ट। आप पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जरा करके दिखाइए, क्या 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। देखिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्या मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, कॉन्सेप्ट बताऊँ, क्वेश्चन का आंसर खत्म, ठीक है। एग्जाम वाली अप्रोच बताऊँगा, देखना 40 और 50 के बीच में, ठीक है। तो देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। 40 के बाद आता है 41 के बाद 42 43 44 45 46 47, ठीक है। तो केवल तीन संख्या होती हैं 40 से 50 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूं, क्या कि जो प्राइम नंबर होते हैं या तो वो खुद से कटते हैं, ठीक है, या वो बन से कटते हैं। ये खास बात होती है प्राइम नंबर की। आप बोलोगे सर ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए आप 4 शिफ्ट को कर सकते हो मेरे साथ बहुत कम समय में। जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखिए 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय पर बजेंगी, बताइए किस समय पर बजेंगी, ठीक है। आप जानते हो कि इस केस में हम लेते हैं, जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, आप बोलोगे सर हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेंगे, गौर से समझना, क्या घंटियां बजती है 12, 18, 24, 36, 12, 18, 24, 36 और 45, ठीक है। इन सभी अंतरालों में घंटियां बजती, तो बस आपको इनकी वैल्यू निकालना है, बताइए क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो आप गौर से देखिए सर, इसमें 9 छुपा हुआ, 9 और 5, मैं 9 और 5 ले लूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल ले लीजिए। 9 36 में 9 और 4 छुपा होता है तो मैंने 4 ले लिया, 24 में 6 चौक 24 छुपा होता है, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 8 3 24, 1 2 की कमी है तो 2 ले लिया मैंने, ठीक है। मैं 18 के पास आया, 18 ने बोला कि मेरे पास 9 और 2 है, 9 मैंने इधर ले लिया, 2 मैंने इधर ले ली, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं 12 के पास आया, 4 3 12, 4 इसमें 3 12 में आंसर आ गया मेरा, ठीक है। देखिए ये इसका एलसीएम है, ये इसका एलसीएम मैंने निकाल दिया। देखो और से देखना, 9 चौक 36, 5 2 10, 36 × 10 360 सेकंड। आप मुझे बस इतना बताइए कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। आप बोलोगे सर 360 मिनट में कितने होते हैं, 6 मिनट होते हैं, 6 मिनट, ठीक है, ठीक है। घंटियां बजी थी सुबह 9 बजे, घंटियां बजी थी सुबह 9 बजे, अब घंटियां बजेंगी 6 मिनट बाद, मतलब कि 9:06 पर, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार आपको आता रहता है, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए पहले आप करने की, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए सारे क्वेश्चन बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं कर सकते आप, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। मैं आपको केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना था। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान करता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, ठीक है। मैंने बोला कि उसने खर्चा कितना किया, आप बोलोगे सर उसने 28,500 रुपये का खर्चा किया। किस पर खर्चा किया, आप बोलोगे सर उसने
28,500 खर्चा भोजन तथा वृद्धाश्रम में किया है। एक्चुअल में उसने कितना किया, 4,505, 50%। मतलब कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना मुझे, ये खर्चा, ये 50% की वैल्यू, किसकी वैल्यू आप बोलो सर, ये 50% की वैल्यू, 50% की। पूछा क्या, गौर समझने इस बात को, क्या एक ही आय क्या है, एक ही आय। मैंने बोला सर जो भी चीज़ में से लेते हैं ना वो हमेशा 100% रहती है। क्या रहती है, 100%। मतलब कि मुझसे ये 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ठीक है। 50 की वैल्यू ये दे रखी है, 100% की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये इनकम निकल के आएगी, उसकी इनकम। आप बोलोगे सर 50 से 100 कट गए दो बार में, दो आएगा, ठीक है। 28,500 का गुणा दो में करोगे तो आपके सामने 28 दूनी 56 और 1,057,000 निकल के आएगा। 57,000, मतलब ये एक बंदा था जिसकी इनकम 57,000 रुपये। कितनी है, 57,000, बताइए। कोई दिक्कत आपको, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे ले चलते हैं आपको थोड़ा सा, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, देखना क्या कह रहा है। कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है, ठीक है, और उसका व्यय क्या, एक्सपेंस दे रखा है, ये उसका खर्चा है, क्या है इसका खर्चा है। यदि उसकी आय में 18% की, इनकम में 18% की, और व्यय में मतलब एक्सपेंस में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बचत में, ठीक है। ये क्वेश्चन के हाईलाइटेड पॉइंट है, मैंने उनको मार्क कर दिया है ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ गौर से। एक बार कोशिश कीजिए आप करने की, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखिए कोशिश कीजिए कि आपके माइंड में बातें आ पाएं। पहले गौर से समझना, क्या एक्सपेंस दे रखा है और इनकम दे रखी है, क्या दे रखा है, एक्सपेंस दे रखी है और इनकम दे रखा है। पहले तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ, क्या आया एक्सपेंस और इनकम का रेशियो। सर जो एक्सपेंस है ना वो 75,000 है और जो इनकम है ना वो 95,000 है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से कटा, 5 से काटेंगे 15 आएगा, 5 से काटेंगे 19 आएगा। ठीक है, 15 और 19, मुझे चाहिए एक्सपेंस और सेविंग का रेशो। देखिए खर्चा कितना किया, आप बोलो सर खर्चा किया 15 यूनिट। कितना खर्चा किया, 15 यूनिट। बचाया कितना, आप बोलो सर 19 में से 15 खर्च कर दिए तो 4 यूनिट बचाया। कितना बचाया, 4 यूनिट उसने बचाया 15 में, क्या 19 में से 15 खर्च कर दिए तो 4 बचाया। अब क्वेश्चन की फीलिंग समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने गौर से देखा, उसने देखा कि इनकम में 18% की वृद्धि हुई, ये इनकम ओवरऑल इनकम में 18% की वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि हुई, ठीक है, गौर से समझना। अब क्या कह रहा है, क्या उसके व्यय में मतलब जो एक्सपेंस में 12% की वृद्धि हुई, एक्सपेंस में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है, बताइए यहां पर सेविंग में क्या वृद्धि हुई। आप बोलोगे सर ये 18 है, ये भी 18 हो जाएगी, सॉरी क्या ये 12 है तो ये 18% ओवरऑल, तो मैंने मान लिया कि सर ये भी 18 रही होगी, 18 रही होगी, ठीक है। ये क्या कम है, ये कम है ना, गौर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सर ये 12 है ना, 18 से 6 कम है। कितनी कम है, आप बोलोगे सर 6% कम है, 6%। कितने पर, मैंने बोला कि सर 15 पर 6 कम है, 15 पर, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, इस वाली साइड में 90 कम है तो इस वाली साइड में 90 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, 90% ज़्यादा हो जाएगा, 90% ज़्यादा हो जाएगा, 90% ज़्यादा होगा। कितने लोगों पर, कितने यूनिट पर ज़्यादा हो जाएगा, 4 यूनिट पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का भाग दे दीजिए कितना आएगा, 88, मतलब कि 22.5, 22.5 कितना आएगा, 22.5, मतलब कि इसे आप लिख सकते हो 18 + 22.5%, मतलब आपका आंसर निकल के आएगा 40.5%, 40.5%। आप बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को अब कभी छोड़ोगे एग्जाम में, जब भी आपको इनकम एक्सपेंस वाला क्वेश्चन आ जाए। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ मेरी परसेंटेज की क्लास में, day 45 सिलेक्शन बैच, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्या 45 दिन में 45 क्लासेस ले रखी है मैंने, इतनी शानदार कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, 45 के 45 दिन में मैंने सारे के सारे मैथ के चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अभी कुछ क्लासेस बाकी है उसकी, बहुत जल्दी होने वाली है, डेली चलती है रात में 9 बजे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार विजिट जरूर करना, बैच को जरूर देखना, ठीक है। एक सेकेंड वेट कीजिए, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा। देखिए 40.5% आंसर रखा, कितना आ गया, 40.5%, ठीक है। आप, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। जरा अगला देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है देखना।
एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। आपने बोला, देखिए, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। पहले तो मैं बात करता हूं क्या 2 साल पहले की और 2 साल बाद की, मतलब कि ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, पहले कितनी थी अब कितनी थी, गौर से समझना। क्या उस वो बोल रहा है कि 3% बढ़ती है, मतलब कि अगर पहले सौ थी तो वो अब 103 हो जाती। कितने परसेंट बढ़ जाती है? 3% बढ़ जाती है एक साल में। कितने साल में? एक साल में, ये उसने बोल रखा है, ठीक है। लेकिन मुझे एक साल से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये जानना है 2 साल में कितनी बढ़ती है। कितने साल में? 2 साल में, ठीक है। अगर आपको 2 साल में जानना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या करोगे आप? इसका स्क्वायर कर दोगे, ये 2 साल का रेशो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। 100 रेशो 103 का स्क्वायर करूंगा तो बताइए क्या आएगा? आप बोलोगे सर 100 का स्क्वायर जो होता है ना वो तो होता है 10,000, वो तो होता है 10,000, और जो 103 का स्क्वायर होता है ना वो होता है 106,09। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता 103 का स्क्वायर ये होता है? तो देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ 103 का स्क्वायर निकालने का तरीका, गौर से समझना। क्या 100 लिखा मैंने, एक सेकंड रुकिए, 100 से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है 100 से, ठीक है। तो 103 में 3 जोड़िए कितना आएगा? 106 आएगा। 106 आएगा, कितना आएगा? 106। 3 ज्यादा है, 103 में 3 जोड़ा 6 आया, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए कितना आएगा? 09। आंसर कितना आया? 106,09। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, 106,09 हमको आ गया निकालना, ठीक है। वो कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, मतलब वर्तमान जो जनसंख्या इतनी है, इतनी मुझसे पूछिए उसने ओल्ड वाली, ये वाली पूछी है, ये वाली कितनी है? देखना इसकी वैल्यू 106,09, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी इसने 21,218 कितनी दे रखी? 21,218 दे रखी। आप गौर से देखोगे तो आपको कुछ बातें सीधी सीधी दिखेंगी, क्या कि सर ये 9 है, ये 18 है, ये 6 और ये 12 है, एक ये क्या है, ये 2 है। मतलब आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट 2 गुना है, कितने गुना है? 2 गुना, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी कितनी गुना हो जाएगी सर? 2 गुना हो जाएगी। मतलब आज से 2 साल पहले भालुओं की संख्या 20,000 थी। 20,000 कितनी थी? 20,000, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे भी एक्चुअल में ये जनसंख्या पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसने अब की बार आदमियों की जगह, मतलब इंसानों की जगह भालुओं को काउंट किया है। गेम खेलता है वो आपके साथ लैंग्वेज का, ठीक। ये वाला देखिए क्या कहना चाह रहा है, गौर से समझना। क्या मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का सीपी क्या है? क्रय मूल्य बताइए। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्या कि जो 18% होता है, 18% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 × 18, 2 × 50, 9/50, 9/50। आप बोलोगे बिल्कुल सर हमको ये बातें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को हम सीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, सीपी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं प्रॉफिट, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। 50 का सामान था, 9 का लाभ हुआ, 50 और 9 59, 50 और 9 59, 59 यूनिट की वैल्यू, 59 क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है मुझे? 2832। कितने में बेचा? 2832 में। तो 59 की वैल्यू 2832 दे रखी है मुझसे। और पूछा क्या, गौर से समझना, उसने पूछा है कि बताइए आप क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस आपने देखी तो सर 50 थी, मतलब वो आपसे 50 की वैल्यू पूछ रहा है, 50 की वैल्यू, बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए आंसर क्या निकल के आएगा? केवल बी और डी में से एक आंसर हो सकता है, बताइए। देखना देखना भाग दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं मैं? भाग दे रहा हूं, कौन सा समझना, ठीक है। मैं ये 60 मान लो, लगभग मैं 60 है, ये 8 283, ठीक है। 60 का भाग 28 में, तो 6 का भाग 28 में, तो आप बोलो सर 6 × 24, 6 × 5 = 30, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार में दे रहा हूँ। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, ठीक है। कुछ शेषफल बचेगा, आप बोलो सर बचेगा शेषफल, यहाँ पर एंड में 2 है, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 2 आ जाए एंड में, सर 9 × 8 = 72, 8 होता है, कितना होता है? 8। तो मतलब 59 का भाग 28 / 32 में 48 बार जाएगा, 50 का गुणा 48 में कर दो, 50 का गुणा 48 में करोगे तो 2400 आएगा, कितना आएगा? 2400। कितना निकल के आएगा आपके सामने? 2400, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, बताइए। कर लोगे कैलकुलेशन? मैं आपको बेस्ट पार्ट सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन का, क्योंकि पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन निकालना, फिर उसे जमाना, फिर जमा के फिर एंड में कैलकुलेशन पर अटकना, ये 4 स्टेप रहती है क्वेश्चन को करने की। अगर आप इन 4ों को पार कर ले गए तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा एक क्वेश्चन करके दिखाइए क्या कह रहा है। क्या
एक दुकानदार अपनी अपनों वस्तुओं पर 40% की छूट देता, कितना छूट देता है, 40% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य अंकित करे। ठीक है, एक्चुअल में ये आपसे सीपी और एमपी में रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीपी और एमपी में रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में रिलेशन। ठीक है, और ये वाली बात हर कोई जानता है क्या, कि जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रिलेशन होता है वो सीधी सीधी बात 100 माइनस का डिस्काउंट प्रतिशत रेशो 100+ का प्रॉफिट परसेंटेज रेशो रहता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी। आप बोलो सर हमको बिल्कुल पता है ये बात ही। ठीक है, 100 में से डिस्काउंट घटाओ, डिस्काउंट कितना दिया 40%, तो 100 में से 40 गया तो 60% बचा। कितना बचा? 60%। मैं प्रतिशत को नहीं लिख रहा क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको क्या कह रहा है आगे। 20% का लाभ हुआ, 100+20 120, 120, 60 एकम 60, 60 दुनी 120, मतलब 1:2 आपके सामने आंसर आएगा, 1:3। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है तो मार्केट प्राइस 2 यूनिट रहेगी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? 2400 रुपये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना? 2400 रुपये, 2400 रुपये। ठीक है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू उसने 2400 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2400। आप बोलोगे सर कितने गुना? एक गुना ये, सॉरी दो गुना, दो 12 गुना 12 गुना 1200 गुना। ठीक है, दो का वैल्यू 1200, एक की वैल्यू भी 1200 गुना 1200 1200 आ गई। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 1200 निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस 1200। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ चुका है। आगे ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्लास को आगे लेते जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। गौर से देखना क्या कह रहा है। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। 72,000 इसका क्या है, इसका अंकित मूल्य है, 20% का डिस्काउंट दिया, 10% का लॉस हुआ, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देना चाहिए जिससे उसे वस्तु 440 रुपये का लाभ हो। ठीक है, उसे क्या चाहिए? 440 का प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कितना डिस्काउंट देना चाहिए, बताओ क्या किया जाए इसमें। आप बोलोगे सर इसमें डिस्काउंट प्रतिशत दे रखा है और लॉस प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और एमपी दे रखा है मार्केट प्राइस, तो सीपी आप नहीं निकाल सकते क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल सीपी आप निकाल सकते हो। सॉरी क्या कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली, ठीक है, ये अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है? अंकित मूल्य दे रखा है। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस पता करना है, इसमें क्या पता करना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा दूंगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये होता है मेरा सीपी और ये होता है मेरा मार्केट प्राइस और ये होता है मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, उसने 72,000 रुपये अंकित मूल्य दे रखा, मार्केट प्राइस की वैल्यू उसने 72,000 मुझे दे रखी है, 72,000 दे रखी है। ठीक है, और 20% का डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है कि वो डिस्काउंट जो बंदा देता है ना वो 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है ये उसने दे रखा है, और 10% की आनी होती है। उसने ये भी दे रखा है कि उसे 10% का लॉस होता है, क्या होता है? 10% का लॉस, ये भी उसने दे रखा है, जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। वो कह रहा है कि इसे कितने पर बेचे उसे प्रॉफिट हो, 440 का उसे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उस वस्तु पर छूट चाहिए, डिस्काउंट पूछा है, नया डिस्काउंट पूछा है, बताइए क्या करोगे? सर पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास सीपी निकल के आ जाए, मेरी पहली कोशिश में सीपी निकालने की कोशिश करूंगा। गौर से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीपी और एमपी का रेशो फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से समझना पड़ेगी आपको ये बात है। ठीक है, अगर दिमाग इधर उधर खुला तो आप भूल जाओगे। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और जो मार्केट प्राइस होता है ना, मार्केट प्राइस होता है 100+ का प्रॉफिट परसेंटेज, 100+ का, आप चाहो तो इसे प्लस का प्रॉफिट लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे माइनस का लॉस प्रतिशत लिख सकते हो। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का पी, लॉस होगा तो माइनस का एल। आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से डी गया, डिस्काउंट कितना है? 20%, मतलब 80 आएगा यहाँ पर रेशो में, 100 माइनस है, हानि कितनी की हुई 10 की, मतलब 90 आएगा, मतलब कि 8:9 निकल के आएगा। कितना निकल के आया? 8:9। आप बोलोगे सर 8:9 हमने निकाल दिया, 8:9 निकाल दिया हमने आंसर। ठीक है, दे क्या रखा है? गौर से समझना कि आप 72,000 मार्केट प्राइस दे रखी है, मतलब 9 की वैल्यू दे रखी है, 72,000 कितनी दे रखी है? 72,000
72,000, ठीक है। 8 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर 9 की वैल्यू 72,000, 8 की वैल्यू कितनी होगी? सर आप बोलोगे सर 9 अट्ठे 72, 8,000 गुना कितना? 8,000 गुना, तो इसका भी 8,000 गुना कर दिए, 8 अट्ठाइयाँ 64,000 आ जाएगा, 64,000 आ गए, ठीक है। आपके सामने कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई 64,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल दी कि 64,000 है, कितनी है? 64,000 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट कमाना है? उसे कमाना है 440 रुपया का प्रॉफिट, 440 का प्रॉफिट। तो इसमें 440 को ऐड कर दीजिए, क्या करोगे? 440 को ऐड कर दोगे, ठीक है। इसे में मैंने ऐड कर दिया 440 को, बताइए कितने में बेचेगा? आप बोलो सर 0,444, अच्छा 64,440 में वो वस्तु बेची जाएगी। ये क्या निकल गया? आप बोलो सर ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस निकाल दी। अब बताओ कि आपको ये बातें समझ में आई? आप बोलोगे कि सर हमें इतनी बातें तो समझ में आ गई, ठीक है, मैंने आपको सेलिंग प्राइस तक समझा दिया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या क्या कि सर मार्केट प्राइस थी 72,000 रुपये और आपने उसे सेल कर दिया 64,400 में, क्या मुझे कोई बता सकता है कि डिस्काउंट कितना दिया मैंने? क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैंने कितना डिस्काउंट दिया है? कितना डिस्काउंट दिया है? जो मैंने डिस्काउंट दिया वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, पहली चीज़ तो आप डिस्काउंट परसेंटेज की जगह पहले तो ये बताओ डिस्काउंट कितना दिया मैंने, ठीक है। 72,000 का सामान था, 64,440 में बेच दिए, मतलब कि ऑलमोस्ट मैंने कितने का दिया? 65 होता, ये 65,000 होता तो 5 और कितना होता? 65,000 होता 5 होता तो 7,000 होता, 7,500 कितना है? 440 तो ये 560 है, मतलब कि 7,560 कितना आएगा? 7,560 एक्चुअल में 7,560 का डिस्काउंट दिया हुआ है। एक सेकेंड रुकना, कितना आ रहा है? सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है, 6560 का डिस्काउंट। आप बताइए जो 6560 है ना, ये 6560 इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला किस किस को पता नहीं है बताना? डिस्काउंट प्रॉफिट, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि जो डिस्काउंट है ना वो मार्केट प्राइस का कितना प्रतिशत होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे सर ठीक है, देखना अगर 72,000 का 10% में निकाल ला तो 7,200 आता, लेकिन ये 7,200 से ज़्यादा है, 7,560 ही 7,200 से ज़्यादा है, मतलब आंसर 10% के लगभग नहीं हो सकता और 10 से कम भी नहीं हो सकता, केवल 11.5 बचा है, 11.5 ऑप्शन नंबर ए। बताइए देखिए मैंने क्या लॉजिक लगाया, ध्यान से समझना, क्या अगर मैं 72,000 का 10% निकालता हूँ, 10% क्या निकालता हूँ? 10%, 72,000 का 10% होता है 7,200, कितना होता है? 7,200, लेकिन सर ये जो वैल्यू दिख रही है ये तो 7,200 से भी ज़्यादा है, तो आंसर 10% नहीं होगा, 10% से ऊपर होगा, 10% से ऊपर, और 10% से ज़्यादा केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बता कितना समझ में आया आपको? ठीक है, बड़े आ गए, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड एक सेकेंड। देखना एक सेकेंड क्या निकाला था मैंने, 10% कितना आया था इसका? 7,200, और 1% क्या आएगा इसका? 720, तो इसका 11% कितना हो जाएगा? 0,297,920, मतलब इसका 11% कितना हो जाएगा? 7,920, मतलब 10% निकाला तो छोटा, ये छोटा निकला मतलब ये बड़ा है, मैंने 11% निकाल दिया तो ये वैल्यू छोटी है, मतलब ये वैल्यू 10 और 11% के बीच में, 10% और 11% के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गलती से 11 लगा दिया था मैंने, ठीक है। मैं आज इतनी मेहनत करके हो रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत ये कर इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसमें भाग नहीं देना रहा, कि मुझे भाग देने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मुझे भाग देना देना पड़े कि 7,560 72,000 का कितना प्रतिशत, इसीलिए मैंने ये मेहनत की, ठीक, इतना क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, जो अंदर की बातें बताई जा रही है वो। अब इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, क्या कह रहा है? दिया वॉट अ कार फॉर 35,000 एंड सोल्ड इट फॉर, सिंपल था ये, तो ये वाला कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ब्याज के वार्षिक दर से चक्रवर्ती होने के बाद में 117,128 रुपये हो जाती है, बताइए समय क्या है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लीजिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लीजिए, प्रिंसिपल है 80,000, 80,000 मिलकर कितना हो जाता है? 117,128, 117,128,
ये हो जाता है, 8 से कट जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगा, 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 10,000। 8 से काटोगे कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 8 एकम 8 हो गया, कितना हो गया, 3 बचा 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, कितना बचा, 32, 5 बचा 8 7 8 6 48, 3 बचा 8 चौक 32, 8 एकम 8 14,400। सर ये तो दिखा दिखा लग रहा है, कैसे दिखा दिखा लग रहा है, 10:11 की पावर 4 है, ये 10:11 की पावर 4 है, कितना है, पावर 4, कितनी पावर है, आप बोलो सर पावर 4, रेट कितनी थी 10%, रेट कितनी थी 10:11, और ये 10:11 की कितनी पावर है, आप बोलो सर ये 4 पावर है, कितनी पावर है, 4 पावर। अगर पावर 4 होती है इसका मतलब ये कि जो ईयर है वो 4 साल रहा होगा, 4 साल, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया, 4 साल आंसर इसका, कर लोगे आप बोलोगे सर बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा, हम ऐसे क्वेश्चन को करना सीख गए। ये वाला बताइए इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, देखिए इसके आगे एक वैल्यू रहती है जिसे चतुर्थ अनुपात बोला जाता है, मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर होता है। अगर मुझे एक्स चाहिए, अगर मुझे एक्स चाहिए तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और इसका डिवाइड दे देना, ये तरीका रहता है। अंडर रूट में 8 गुणा में 21 अपॉन में अंडर रूट कितना, 6, ठीक है। ये क्या किया सर आपने, अंडर रूट क्यों ले लिए, देखिए ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, ठीक है। अगर मैं बड़ा अंडर रूट लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काटा 3 दूनी 6 30 8 21, 2 से 8 काटूंगा तो 4 आ जाएगा, और 4 क्या होता है, आप बोलो सर 4 होता है 2 अंडर रूट में 7, 2 अंडर रूट में 7 होता है। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए क्या आपको क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं। ये वाला कीजिए, एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी, ट्राई कीजिए आप करके दिखाइए, बहुत फर्क बताता हूँ करके। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिलें खरीदी, 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदी, पेन और पेंसिल का मूल्य के बीच का अंतर देखना। मैंने देखा जो पेंसिल है उसकी प्राइस क्या है, पेंसिल की, पेंसिल की 40 का भाग 180 में 2 कितना आएगा, 4 चौक 16 4 दशमलव 5 आएगा, 4.5, ठीक है। 2 दर्जन मतलब 24, 24 का भाग 180 में 2 तो पेन की प्राइस आ जाएगी 180 में 24 का भाग कितना आएगा, 12 दुनी 24, 12 15, 12 से कटा 15 बार में, 12 दुनी 24 मतलब 7.5, 7.5, ठीक है। पेंसिल की प्राइस 4.5 रुपये, पेन की प्राइस 7.5 रुपये, ठीक है। 7.5 और 4.5 में अंतर होता है 3 का, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, पांच एक्स माइनस दो बाई ये दे रखा है, बताओ, और ये 9 5 17 है, बताओ क्या होगा, देखना 5x माइनस का 2y बटे में x माइनस 2y कितना दे रखा है, 9 बटा 17। तो मुझे x और y का अनुपात चाहिए, x और y का अनुपात देखिए डायरेक्ट सॉल्व करूंगा मैं, 17 का गुणा इधर होगा x में आएगा, ठीक है। 17 5 85 और 9, 85 और 9 का अंतर कितना होता है, 76x, 75 17 5 85 और 9, 85 में से 9 जाएगा तो 4 76 आएगा, ठीक है। अब इधर मैंने घटाया, मैं इस साइड घटाऊंगा, ये 9 दुनी 18 आएगा, 9 दुनी 18, 17 दुनी 34, 34 और 18 का अंतर कितना होता है, 34 और 18 का अंतर 18 18 36, 36 में से 2 गया, 36 में से 2 जाएगा, 18 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, 18 में से 2 गया तो 16 16 16 बाय बाय, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे ना तब निकल के आएगा एक्स अनुपात बाय, बताइए कितना आएगा, एक्स बटे में बाय। सर ये 16 नीचे ऊपर आ जाएगा और ये 76 नीचे चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना, आप बोलो सर बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। 4 चौक 16, 4 से काटोगे 19 आ जाएगा, 4 बटा 19, 4 बटा 19 आ गया, ठीक है। अब एक बात गौर से समझना, उसने पूछा है 9 बटे 13, मैं इसमें 9 बटे 13 का गुणा कर देता हूँ, 9 बटा 13, 9 बटे 13 का इधर भी गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया, किसी से कोई नहीं कट रहा, तो 9 चौक 36 ऊपर आना चाहिए, 36 मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको भी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ये तो इक्वेशन है बचपन वाली, ठीक है, 7th क्लास में सीख जाते हैं ये लीनियर इक्वेशन में, और बाकी ये पहले दूसरे सिस्टम में एक्स अनुपात बाय निकाला, दूसरी में मैंने आंसर निकाला, आपको भी सेम तरीके से एग्जाम में केवल इतनी ही स्टेप लिखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ कम समय में। ये बताइए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने में, एक सेकेंड वेट कीजिए,
एक सेकेंड, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या जी, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने में के लिए चार अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, ठीक है। पहला रास्ता ए, जिसमें 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर गया, ठीक है। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी थी टोटल? आप बोलो सर पाँच, डिस्टेंस कितनी है, कितना आएगा, 20 और 10 30 और 30 और 10 40 और 5 45, 45 और 25 कितना होता है, 45 और 45 और 25 कितना हो जाएगा, लगभग 4 और 2 6 70, 70 में कम 69, 69 आ गया, कितना आ गया 69, सही है 69, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, मेन चीज इसकी है कि टाइम कैसे निकालोगे आप, गौर से समझना। क्या 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाना कितना समय लेगा? सर आप बोलोगे 4 घंटे, कितना समय लेगा, 3 5 15, 5 घंटे, 2 दूनी 2 5 10, 5 घंटे, 4 6 24, 6 घंटे, मतलब ये मैंने टाइम निकाल दिया, ये टाइम है ओवरऑल, 4 और 5 9 और 5 14 और 26, 20 का भाग दिया। अगर आप इसमें 20 का भाग दोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 5 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
सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी क्लियर तरीके से। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। एवरेज स्पीड का है, फेवरेट पैटर्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया एवरेज स्पीड का। ठीक है, अभी आपको एक फिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा एवरेज स्पीड का, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, वो तरीका आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ए एक पेंटिंग कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिससे ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं, बताइए। पहले तो आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। बताइए क्या आंसर निकल के आने वाला है आपका। यहाँ पे देखना, ए 12 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है, 8 और 10, 8 दिन और 10 दिन। ठीक है, पहले तो ये बताइए काम कितना है, टोटल टोटल वर्क पता करना है मुझे। ठीक है, 12, 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है। 8 ले लिया मैंने, 8 पंजे 40, 40 दुनी 80, 40 या 120, 40 दुनी कितने ले लूं, 40 60 ले लेता हूँ, 60 में 4 रहता है, 60 120 लेना पड़ेगा। टोटल काम 120 निकल के आया। ए की एफिशिएंसी 12 से काटा, 10 एफिशिएंसी ए की। ठीक है, 8 से काटा, 15 8 120, 15 एफिशिएंसी बी की निकल के आ गई। सी की एफिशिएंसी 12 यूनिट निकल के आ गई। ठीक है, अब समझना कहना क्या चाह रहा है वो देखना। पहले दिन ए अकेला काम करेगा। ठीक है, अगले दिन ए के साथ में बी और सी साथ में काम करने लग जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस चल रही है उनकी, ये कहना चाह रहा है वो एग्जामिनर। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। पहले दिन तो एक काम करेगा, अगले दिन तीनों साथ में काम करेंगे। मतलब कि सर एक और एक दो, दो दिन में टोटल काम कितना होगा, 2A + B + C। 2A मतलब 20 हो जाएगा, 20 और 25, 20 और 27, 47 दिन, 47 यूनिट। ठीक है, मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि वो बंदे दो दिन में 47 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, आप बताइए कि दो दिन में 47 यूनिट। ठीक है, चार दिन में कितना करेंगे आप बोलो सर। 4 दिन में 2 × 7 = 14, 4 × 7 = 2, 94 यूनिट। ठीक है, अब काम कितना बचा आप बोलो सर। जो काम है ना अभी तो बचा है 126 काम बचा है, 126 काम। अगले दिन आया ए अकेला बंदा आया, 10 दिन में करेगा वो, 10 दिन में क्या उसने किए, 10 यूनिट काम, एक दिन में 10 यूनिट काम कर दिया। तो 5 दिन काम हो गया और कितना हो गया, 104 यूनिट काम हो गया। अभी भी 16 यूनिट काम रिमेनिंग है, अभी 104 काम हो चुका है। 120 में से 104 घटाओ तो 16 यूनिट काम आएगा, 16 यूनिट। अब 16 यूनिट करने के लिए A + B + C अगले दिन आएंगे, ये एक दिन में अगले दिन आएंगे, वो बोलेंगे कि मैं हम तीनों मिलकर एक दिन में 15, 37, 27, 27 कितना हो जाएगा, 27 + 10 = 37, 37 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, हमें तो केवल आपसे 16 यूनिट काम करवाना है, 16 यूनिट काम। ये 16 यूनिट काम 37 की एफिशिएंसी करेंगे, 16 बटे में 37,
16 बटे में 37, तीनों को ऐड कर लीजिए, इन सभी को ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा लगभग, 5.4, ऑप्शन नंबर सी, कैसे देखना, 4 और 1 5, 5 सही 16/37, 5 सही 16/37, ठीक है। मैंने बोला कि सर ये 16/37 लगभग आता है ना, 0.5, 16 और 32, 16 और 32, 16 और 32 मतलब 0.5, 0.5 आंसर 5.5 के लगभग में, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। वैसे भी मैं 4 और 1 5 देख के समझ जाता कि 5 आंसर आने वाला, 5 ऑप्शन नंबर सी में ही था केवल, बताइए। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ने वाले हो कि नहीं, बस ये बता दीजिए मुझे, अगर पसंद आए ना वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके दिखाइए कैसा क्वेश्चन है। देखिए अभी ये टाइप जो चल रहा है, ये टाइम एंड वर्क वाला है क्या, जो टाइम एंड वर्क के एक साथ क्वेश्चन आए थे ना, वो सभी क्वेश्चन अभी मैंने आपको एक कराया, ये दूसरा देखिए टाइम एंड वर्क का, कंपाउंड इंटरेस्ट के हो चुके हैं, मतलब कि आप देखोगे ना तो ओवरऑल बेटेज आपको अरिथमेटिक का अच्छा खासा देखने को मिलता है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपको अरिथमेटिक का एक लंबा पोर्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको शानदार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अरिथमेटिक का एक पोर्शन देखने को मिल जाता है। देखिए 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 2 महिलाएं और 8 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए 2 महिलाएं और कितने दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, क्या 5 महिलाएं 5 वुमेन इंटू 8 डेज, 5 वुमेन 8 डेज तक काम करेंगे, वही सेम काम 8 बच्चों ने 10 दिन तक किया, 8 बच्चों ने 10 दिन तक किया। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी को एक्चुअली में निकाल पाऊँ, ठीक है। 8 से 8 कट गया और 5 का 5, 5 दुनी 10 आ गया, 5 दुनी 10 आ गया, तो वुमेन और चाइल्ड की जो एफिशिएंसी है, वुमेन और चाइल्ड की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी ना, वो आएगी वुमेन की 2 और चाइल्ड की 1, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी मैंने निकाल दी, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे, मतलब कि 2 वुमेन 2 वुमेन और 4 चाइल्ड कितने दिनों में करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा टोटल वर्क कितना है। आप देखोगे कि महिला की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 2 2, इसमें रखो 2 5 10 और 8 80, तो मतलब कि टोटल वर्क 80 है, इतने लोग को काम करना है। देखना एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करती, तो 2 दिन में 4 यूनिट, एक एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करता, तो 1 चौक 4, मतलब 4 और 4 8, ये बंदे एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, और मुझे 80 यूनिट काम करवाना है, तो 8 से 80 काटोगे तो आंसर निकल गया आएगा 10, मतलब कि 10 दिन में ये उस काम को पूरा कर देंगे। बताइए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, फिर याद रखना, ठीक है। अगले ले चलता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि सामान्य गति से आधी गति से चलती है। देखना अगर आधी गति करती है, अगर स्पीड को आधा किया जाता है, समझना, अगर स्पीड को आधा किया जाता है तो टाइम जो है वो दुगना हो जाता है। आप बोलो सर दुगना टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, दुगना समय हो जाएगा, पहली चीज। उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, बताइए। मैंने देखा सर पहले 1 यूनिट लगता था, 1 यूनिट कितने लगता था, 5 5 घंटे लगते थे, ठीक है। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, वो आप बोलोगे सर 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है 1 यूनिट, ठीक है। एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू भी 5 ही आएगी, कितना घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, बोलो सर 5 घंटे, कितना घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। अगर वो ये नहीं पूछता, अगर वो इस शब्द को हटा देता, कितना समय लगेगा, तो आंसर क्या होता, तो 2 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10, तो 10 घंटे आंसर हो जाता, समझ गए क्वेश्चन किस टाइप का है। उसने बोला कितना एक्स्ट्रा टाइम, आगे चलते हैं, हो गया ये अपना क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 की स्पीड से चलता है, एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 की स्पीड से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या, समझना। बंदा यहाँ से चला स्कूटर से, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। आप बोलो सर हर बार डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट मतलब दूरी निश्चित है, डिस्टेंस अगर निश्चित हो, निश्चित मतलब कि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, तो एक बात याद रखना, क्या जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है ना, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो रहता है 2s1s2
अपॉन में एस वन प्लस में एस टू, एस वन प्लस में एस टू। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमको चीजें समझ में आने लगी हैं। अब देखिए बस एस वन एस टू बताइए कितनी की से गया, कितनी की स्पीड से आया, 64 से गया और 16 की से आया, ठीक है, 16 से गया, 16 से आया, 64 से गया, 16 से आया, दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 1 7 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 निकल के आ जाएगा। बताइए सॉल्व करने पर कितना आएगा, आप बोलो सर 8 से काटेंगे तो 10 आएगा, 8 से काटूंगा तो 8 हटेंगे 64 आ जाएगा, 16 अट्ठा 128, 128 का 2 में गुणा करेंगे तो 256 आएगा, 256 में 10 का भाग देंगे तो 25.6 आएगा, 25.6 किलोमीटर पर घंटा। आप बोलोगे कि सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, बस इसे आपको याद करना है, ठीक है। आपको हर सेप्ट में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, एवरेज स्पीड, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट देखेगा कई सारे सेप्टों में आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए, बताइए क्या हुआ। सर सिंपल सी बात है, जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए, क्या कह रहा है वो, एक शंकु था, ठीक है, एक को शंकु को पिघलाकर बेलन बना दिया, पिघलाया और बेलन बना दिया, क्या बना दिया, बेलन, बेलन बना दिया। सर इस कंडीशन में हमेशा याद रखना क्या, जब भी एक 3D डायग्राम से दूसरा 3D डायग्राम बना दिया जाए, 3D फिगर बना दी जाए, तो याद रखना इनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब कि इनका आयतन नियत रहता है। आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, सर इसका आयतन होगा 1/3 πr², आर रेडियस कितनी है 9, r² इंटू में h, हाइट कितनी दे रखी 15, ये किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मुझे पता नहीं है लेकिन हाइट जरूर मुझे पता है, इसकी हाइट इसकी 45 दे रखी मुझे। अब बताइए सॉल्व कीजिए कितना आएगा, आप बोलो सर पहले तो पाई से पाई को काट दीजिए, मैंने बोला ठीक है पाई से पाई काट दिए, ठीक है, 3 से 9 काटोगे तो 3 × 3 = 9 आ जाएगा, ठीक है, देखिए ये 3 है और ये 15 है, सर 15 × 3 = 45 होता है, 15 × 3 = 45 होता है, 45 से 45 कट गया तो r² की वैल्यू कितनी बची, 9 बची, कितनी बची, आप बोलो सर 9 बची, अगर r² की वैल्यू 9 है तो रेडियस मेरी 3 निकल के आ जाएगी, लेकिन उसने व्यास पूछा है, मतलब कि डायमीटर, डायमीटर त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब 6 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। आप बताइए कि आप ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती करोगे कि सर नहीं करेंगे, एक को पिघलाकर दूसरा बनाया जाए, मतलब वॉल्यूम नियत रहता है उनका, आयतन कॉन्स्टेंट रहता है, आयतन का फॉर्मूला रख दो और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए क्या कह रहा है, आपने देखा सर कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहा है, किसके क्वेश्चन पूछे जा रहा है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहा है, वो भी 3D के पूछे जा रहे हैं, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर करके देख लेना, अगर नहीं करी हो ना कोई दिक्कत नहीं, मेरी शीट डाउनलोड कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है हमारे। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 है और ऊंचाई 2 है, ऊंचाई 2 है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग कितना, देखिए बड़ी प्यारी सी बात पूछी है, मैंने बोला कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसके टोटल सरफेस एरिया का सम पूछा है आपसे, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr h, और इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है 2πr r + h, आप बोलो सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक, मैंने देखा कि 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया 2πr h + r, एक सेकेंड, 2πr h 2πr r + h, ठीक है, क्या कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने ले लिया 2πr कॉमन ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया 2πr, ठीक है, कितना कॉमन लीजिए 2πr, अब ब्रैकेट में बचेगा h और ब्रैकेट में बचेगा h + r, आप बोलोगे सर बिल्कुल बचेगा, ठीक है, अब गौर से देखना h यहाँ पर और h यहाँ पर, मतलब 2h + r हो जाएगा, 2h + r हो जाएगा, बस इसे सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। एक्चुअल में आपसे ये चीजें पूछी जा रही हैं, ये चीजें पूछी जा रही हैं, ये चीजें बताइए कितनी आएंगी। सर 2 को तो ऐसा का ऐसा रख दो, 11/22/7 रख दो, 22/7 रख दो पाई का मान, त्रिज्या इसमें कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी, त्रिज्या कितनी हो गई 7 हो गई, 2πr, 2r प्लस 2h + r, 2h बताइए कितना हो जाएगा, सर 2 × 2 = 4 प्लस रेडियस कितनी थी 7 थी, तो 7 और 4 = 11, कितना आएगा 11 निकल के आएगा 11, बस आपको ये सॉल्व करना है, बताइए
ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस वाले फॉर्म की। सॉल्व कीजिए क्या आएगा, बोलो सर। 2 से 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुणा 11 करोगे तो 4 और 4 8 और 4 484 आंसर निकल के आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बताइए अब कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन को। मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दिए मेंस्ट्रुएशन के, तो अब ये हमारा पहला सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।